गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास अगेन। टुडे अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर, दैट इज चैप्टर टू, फ्रीडम। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहती हूँ, ओके? तो मेरा भी कुछ थिंकिंग है। तो ये खुदा हमें एक ऐसा आसमां दे दो जहाँ पे कोई बंदिशें ना हो, हम खुली सांस ले बट वहाँ पे कोई बंदिशें ना हो, हम एक ऐसे जीवन में जिए जहाँ पे कोई बंदिशें ना हो, एक ऐसे जहाँ पे जिए, एक ऐसे दुनिया में जिए जहाँ पे कोई बंदिशें ना हो। सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग फ्रीडम। बंदिशें, 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 ये बंदिशें क्यों चाहिए हमें, ओके? हमें बंदिशें ना हो तो हम जी सकते हैं विथ आवर फ्रीडम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ओके? वी नीड फ्रीडम, वी वांट टू लिव इन फ्रीडम, वी वांट टू डू एवरीथिंग इन फ्री लाइफ, सो वी वांट फ्रीडम। तो ये फ्रीडम को जीने के लिए, ये फ्रीडम की फीलिंग को महसूस करने के लिए हमें बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने एक खुली आसमान में जी लिया, एक खुली जीवन हमने जी लिया और हमें फ्रीडम मिल गया। इस फ्रीडम के लिए, ये जो शब्द फ्रीडम है, इसके लिए कितने लोगों ने दुनिया में बलिदान दी है, सेक्रीफाइस की है। तो ये सब कुछ हमें, वी हैव टू फील प्राउड ऑफ ऑल दोस पीपल, पूरा दुनिया में, हमारे इंडिया में भी, ओके? एंड हमें इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमें इस फ्रीडम को खुद को भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीना देना चाहिए, ओके? वी शुड लिव आवर सेल्फ इन ए वेरी डिग्निटी और पीसफुल मैनर, एंड वी शुड ऑल्सो डू और ट्राई टू रेस्पेक्ट द अदर पीपल ऑल्सो हु कैन लिव हिज लाइफ और हर लाइफ इन डिग्निटी एंड इन ए वेरी पीसफुल मैनर, सो दैट वी कैन सेव द थिंग कॉल फ्रीडम। द आइडियल ऑफ फ्रीडम कैन बी सेव्ड इफ वी डू एंड वी ऑब्जर्व and we exercise freedom in a very much peaceful manner and in a very understandable manner without harming the feeling of other people, ठीक है? तो इसके साथ हम आज फिर आगे बढ़ते हैं और एक जगह की तरफ, and today our topic of discussion will be what? तो देखते हैं, topic है हमारा sources of constraint, okay? तो व्हाट इज कॉन्स्टेंट, ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कशन किया। नाउ कॉन्स्टेंट मीन्स, कॉन्स्टेंट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, ओके? ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट, वी लिव इन फ्रीडम, एवरीबडी वांट्स टू लिव इन फ्रीडम, बट मेनी पीपल दे डोंट गेट फ्रीडम, ओके? सो मेनी एटमोस्फियर कम्स अहेड ऑफ देम दैट makes them obstruction, okay, towards the feeling of freedom, towards realizing freedom. So freedom में जो बहुत सारा constraint आता है, obstructions या फिर बाधाएं आता है, okay, जो एक harmful जिसको हम लोग construct obstruction बोलते हैं, आता है obstacles आता है, तो इसमें बहुत सारा है। life में हम जब experience करते हैं बहुत सारा देखने को मिलता है, but अकॉर्डिंग टू अवर लेसन हम कुछ है जो हम उसको पकड़ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, जैसे कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट, ओके, एक को मैं पकड़ती हूँ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट में, ये है मे बी फ्रॉम डोमिनेशन, ओके? अभी डोमिनेशन क्या होता है? डोमिनेशन मीन्स व्हेन ए स्ट्रॉन्गर कंट्री डोमिनेट्स द वीकर कंट्री, ओके? When there is a foreign country which rules the native country, जैसे कि for example, okay, हम लोग example से जाते हैं, जैसे कि domination में मैं अगर example दूं यहाँ पे, suppose ये देखो, एक एग्जांपल दिया मैंने कि ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स जैसे कि यूके, ब्रिटेन डोमिनेटेड इंडिया और इंडियंस, ओके?
ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारे साथ, दे हैव कैप्चर्ड इंडिया, धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर किया है, एंड दे हैव मेड ए कॉलोनियल रूल, ओके, दे हैव मेड ए कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कॉलोनियल रूल इन इंडिया. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेशन. ओके, जैसे कि कोई स्ट्रांग कंट्री, जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन वॉज वन ऑफ द स्ट्रांग कंट्री. सो दैट टाइम, जब 1600 से लेकर, इसका स्टोरी बहुत लंबा है तो आई वोंट गो टू द डीपर स्टोरी. तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे कारण से ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. जैसे कि हमें पता है, दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड दे बिगेन टू सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे हैव देन सेटल्ड अप देयर कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया, एंड देन ब्रिटिश रूल जो उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया आफ्टर दी शिपोई म्यूटिनी. ओके, सो ये सब कुछ डेवलपमेंट होते होते देखा गया. जैसे कि 19th सेंचुरी में घुसते घुसते जब इंडिया घुसा, दैट टाइम द होल ऑफ इंडिया हैज बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड बिगेन टू डोमिनेट अस, ओके, दे सेट अप इंडिया एंड दे हैव मेड द कॉलोनी, उनको इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया, कॉलोनियल रूल इन इंडिया, उन्होंने कॉलोनी बनाया और उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. ओके, सो देर आर सो मेनी एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडियंस. हमारा जमीन है, हमारा जगह है, बट ब्रिटिशर्स ट्राई टू रूल अस द वे दैट दे कैन, एंड वी डिडंट गेट द फैसिलिटीज ऑफ मेनी थिंग दैट टाइम. वी इंडियंस, वी हैव टू डू सो मच हार्डशिप, सो मच स्ट्रगल टू गेट अगेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. तो वो स्टोरी बहुत कुछ है, जैसे कि 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. देयर वाज अ लॉन्ग स्टोरी. ओके, सो वन कंट्रोल मे बी फ्रॉम डोमिनेशन, जो हमने एग्जांपल लिया था इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन मे बी कोरेक्ट आ सकता है, नेक्स्ट वन इट मे बी फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. ओके, कोरेक्ट टाइप का जो डोमिनेशन आ सकता, सॉरी कॉन्स्टेंट आ सकता है, एंड दैट इज मे बी फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. नाउ हियर आई कैन गिव एन एग्जांपल हियर, जैसे कि अपार्थाइड में देती हूँ, अपार्थाइड पॉलिसी, अपार्थाइड पॉलिसी इन ओके, नाउ दिस अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका, एक्सटर्नल कंट्रोल. ओके, नाउ एक्सटर्नल कंट्रोल, एनी कंट्री, एनी गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, दे कैन हैव एन कंट्रोल, ओके, ओवर द पब्लिक और ओवर द मासेस ड्यू टू सम रीजंस. किसी ना किसी कारण के लिए दे मे डोमिनेट, दे मे ट्राई टू कंट्रोल द मासेस. ओके, नाउ सम टाइम द गवर्नमेंट मे बिकम फोर्सफुली. बहुत टाइम क्या होता है, जो ये गवर्नमेंट होता है ना, दे समटाइम रूल द कंट्री फोर्सफुली. उनका एक दबदबा होता है, उनका एक डोमिनेटिंग, जो एक कंट्रोलिंग पावर होता है बाय फोर्सफुली, ओके, ओवर द पीपल. सो यहाँ पे देखा गया साउथ अफ्रीका में, जो हमने उसके अगले जो पहला और एक सेकेंड वीडियो किया हमने, उसमें हमने देखा कि हाउ डिड नेल्सन मंडेला फॉट फॉर द अपार्थाइड, अगेंस्ट द अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका. Now, this apartheid policy means it is a struggle between blacks and whites. It's a struggle between blacks and whites upon that South African country. Okay? तो जो निग्रो और जो ब्लैक लोग थे, उनको बहुत सारा फैसिलिटी नहीं मिलता था, ओके, साउथ अफ्रीका में. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो नेल्सन मंडेला, ही हिमसेल्फ इज ए निग्रो एंड ही हैज फॉट सो मेनी इयर्स, ही लिव्ड इन जेल एंड ही ट्राइड टू मेक सम make some favor against in favor of the people, black people. Okay, तो उन्होंने, उनको लगा कि बहुत सारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट का विच मे हेल्प द पीपुल, ब्लैक पीपुल, ओके, टू रीडेवलप themselves एंड टू अपलिफ्ट their कंडीशन इन साउथ अफ्रीका, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मेनी फैसिलिटीज ड्यू टू दिस रेसिज्म पॉलिसी और apartheid पॉलिसी. तो इट मे one of the sources of constraint may be from this also, okay, external control. So isme humne liya apartheid policy of south africa, that is done itself by the
South African government. Okay, so this may be also a source of constraint. Okay, अच्छा इसके बाद हम और एक constraint देखते हैं जो हमारा society में देखने को मिलता है. Okay, number 3, that is social inequality. सोशल इनइक्वलिटी. ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. एग्जांपल जैसे कि इंडिया. ओके, इंडिया जहाँ पे है कास्ट सिस्टम. इंडिया में कास्ट सिस्टम. ओके, सोशल इनइक्वलिटी समाज में, इंडिया में जो ये समाज है हमारा, ओके सोसाइटी है, यहाँ पे देखने को मिलता है. बेसिकली हिंदू सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है ये, देर इज ए कास्टिसिज्म पॉलिसी. ओके, जो सोसाइटी है ये कास्टिसिज्म में डिवाइड हुआ है. ओके, देर आर ब्राह्मण्स, देर आर क्षत्रियस, देर आर वैश्यस एंड देर आर शूद्रस. ओके, तो द ब्राह्मण्स आर गेटिंग सो मच फैसिलिटीज देन द क्षत्रियस एंड देन ऑल्सो द वैश्यस, बट द शूद्रस हु आर द लोअर कास्ट पीपुल दे आर नॉट गेटिंग सो मच फैसिलिटीज इन द इंडियन सोसाइटी. राइट बिफोर इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट हुआ था, अभी भी बहुत सारे जगह में दिखाई देता है ये सब कुछ. ओके, सो कास्टिसिज्म पॉलिसी जो है ये बहुत एक तरह से ये नेगेटिविटी भी लाता है बहुत टाइम में. तो ये दिस इज दिस थिंग इंडिया अंडर द कास्ट सिस्टम में सोशल इनइक्वलिटी. सो समाज में बहुत टाइम इक्वलाइज नहीं होता है, इनइक्वलिटी प्रिवेल होता है बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो हियर आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसके साथ हम देखते हैं थ्री एरिया को हमने कवर किया. व्हाट आर दे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पे हमने तीन एरिया को देखा. डोमिनेशन, तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट में कम फ्रॉम डोमिनेशन. यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया ब्रिटिशर्स, व्हेन यूके और ब्रिटेन डोमिनेटेड इंडिया और द इंडियन पीपुल, दे हैव एक्सप्लॉयटेड अस द वे दैट दे वांट टू एक्सप्लॉयट अस. ओके, एंड वी हैव बिकेम व्हाट टू से, एक तरह से हमने बहुत कुछ झेला. ओके, वी हैव सफर सो मच एंड देन वी वेंट फॉर स्ट्रगल एंड वी मेड अवर इंडिया इंडिपेंडेंट. ओके, डोमिनेशन. नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंट्रोल, जैसे कि एग्जाम्पल एपार्टाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका, दैट इज रेसिज्म पॉलिसी, स्ट्रगल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, दैट इज रेसिज्म पॉलिसी. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज सोशल इनइक्वलिटी, जो किसी भी समाज में ये देखने को मिलता है. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. ओके, तो एग्जाम्पल में क्या देखा हमने, कास्ट सिस्टम. सो इन दिस कास्ट सिस्टम देयर आर सो मच डिविजन ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम. ओके, ये डिवाइड होके गया है एंड द लोअर कास्ट पीपुल दे आर नॉट गेटिंग सो मच फैसिलिटीज इन द सोसाइटी. And now government, India Mutabi government is doing so much for them. They are making so much extra facilities for those lower caste people. Okay? So, इस तरह से constraint आ सकता है समाज में and that may put in type of obstructions. Okay? ये नहीं कि खाली ये यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये मत खाइए, वो मत कीजिए. Not this one. ये तो हमारा जो daily life में होता है obstructions. But कुछ obstructions ऐसा होता है, it comes from above. It comes from society, it comes from the government itself, it comes from the power. ठीक है, तो आज हमने ये जो sources of constraint देखा, इसलिए यही था ये. ठीक है students, now आज हम और एक चीज को पकड़ेंगे. So let's see what it is. Okay, ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा. Now ये था सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट एंड नाउ वी विल मूव टू द अदर पार्ट, दैट इज नीड ऑफ कॉन्स्टेंट. नीड ऑफ कॉन्स्टेंट्स. ओके, नाउ जस्ट मैंने आपको बोला कि अगर कॉन्स्टेंट होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है एक समाज में, हम लोगों के लिए, नॉर्मली पब्लिक के लिए. नाउ आप और भी एक एंगल से सोच सकते हैं. कुछ भी डिस्कशन का बहुत सारा एंगल होता है, तो हम और एक एंगल पकड़ते हैं. नाउ इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी देयर मे बी सो मेनी पीपल इन दिस सोसाइटी. हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना व्यू पॉइंट होता है,
यू मे कोई भी कॉमन टॉपिक में यू मे गिव योर ओन व्यू पॉइंट, आई मे गिव माई ओन व्यू पॉइंट, और भी बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन देंगे। फिर क्या होता है उसमें, सब लोग झगड़ा कर देंगे बीच में, ओके मारामारी लग देंगे कि हमने जो बोला वो राइट है, आपने जो बोला वो रॉन्ग है, और एक बोलेगा मैंने जो बोला वो राइट है, आपने जो बोला वो रॉन्ग है, ओके। दैट वे व्यूज में डिफर, अभी किसका व्यू ले, ओके किसका व्यू ले। अभी इस तरह से समाज में हम देखते हैं, और भी होता है, जैसे कि और एक एंगल में बोलती हूँ, जैसे कि हम जब डेली लाइफ में चलते हैं, बहुत टाइम देखते हैं रास्ते में सो मेनी पीपल आर फाइटिंग, ओके पीपल आर फाइटिंग ओवर मेनी मेनी वेरियस इश्यूज। कोई गाड़ी दो गाड़ी का टक्कर हो गया, उसमें एक इश्यू हो जाता है, पीपल आर फाइटिंग, ओके। किसी मार्केट में जाओ आप, वहाँ पे जाके आपको देखने को मिला गया मिलेगा सम पीपल आर फाइटिंग ओवर सम इश्यूज, ओके। किसी एक गांव में जाओ, किसी एक कॉलोनी में जाओ आप, किसी आपका नेबर में जाओ आप, अपने आपको देखने को मिला के द टू फैमिलीज आर फाइटिंग ओवर द फेंसिंग ऑफ देयर टू एरियाज, दोनों घर के जो बीच का फेंसिंग है उस फेंसिंग को लेके वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। एंड अदर में अगर मैं जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि देयर में भी वन फैमिली, बट इन पर्टिकुलर फैमिली देयर आर टू ब्रदर्स एंड दे आर फाइटिंग ओवर द लैंड, जमीन को लेके वो डिस्प्यूट हो रहा है, ओके। घर में कितने सारे लोगों का कितने सारे कारण डिस्प्यूट होता है, बाहर में जब हम जाएंगे हमारा दूसरे के साथ डिस्प्यूट होता है, ओके। तो ये सब डिस्प्यूट्स अगर हमें रोकना है, स्टॉप करना है, वी हैव टू गो थ्रू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। दैट्स व्हाई वी नीड सम टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। तो हमारा और एक टॉपिक जो है, दैट इज व्हाट नीड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। Why do we need constraint? Why do we need constraint? अगर लाइफ में थोड़ा सा भी obstructions नहीं होगा, ओके सोशल लाइफ में अगर थोड़ा भी obstructions नहीं होगा तो people may do anything that they want, ओके तो क्या क्या consequences हो सकता है अगर लोगों के पास कुछ obstructions नहीं होगा, ओके there will be no limitations, ओके they can do whatever they want freely। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो क्या हो सकता है, ओके। सो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट, टू प्रिवेंट द पीपल और सोसाइटी फ्रॉम केओस डिस्प्यूट्स conflicts quarreling, okay then I will say accept, so much things may be there। So why do we need a constraint, hame constraint life mein kyu chahiye, thoda bahut constraint chahiye hame kyu, to prevent the people or society from chaos, bahut sara chaos log khada karenge झगड़ा करेंगे तो केओस होगा, पाप कितने लोग जमा हो जाएंगे, कितना कुछ हो जाएगा, ओके मारा पीटा हो जाएगा, ओके डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स क्वारेलिंग एक्सेट्रा, ये सब का मीनिंग लगभग एक ही निकलता है। सो टू प्रिवेंट दिस थिंग्स, टू प्रिवेंट दिस थिंग्स इन द सोसाइटी अमंग द पीपल, वी नीड सम टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। तो ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ना, ये जो कॉन्स्ट्रेंट है, ये सम type of constraint, okay मैंने यहाँ पे लिखा किया, यहाँ पे मैंने लिखा ये देखो some type of constraint, मतलब क्या, सारा constraint नहीं, कुछ एक rules, कुछ एक नियम, कुछ एक rules and regulation हमें चाहिए, so that we can live the life in a very peaceful manner, okay एक congenial atmosphere में हम लोग रह सकते हैं, कि अगर हमारे पास कुछ constraint होगा, कुछ लॉ होगा, कुछ रूल्स होगा, कुछ रेगुलेशंस होगा, ओके ये अगर होगा हमारे लाइफ में तो हम थोड़ा सा डरेंगे, ओके तो व्हेन एवर वी आर इन ए सोसाइटी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट वी मस्ट नॉट, ओके वी मस्ट नॉट जस्ट डू व्हाट एवर वी लाइक,
Whenever I give my opinion, I should be polite to give my opinion towards the people, towards the society. Okay, and I should not always consider कि मेरा opinion ही बहुत fruitful होगा. Okay, so I must also listen to the opinion of the other people. एक हो गया. और एक हो सकता है चलते फिरते I must always be careful कि मैं किसी के साथ झगड़ा ना करूं. अगर कुछ conflict हो भी जाता है I should resolve it in a very peaceful way. I should not pinch somebody. I should not taunt somebody. I should not go into a conflict or insulting manner to somebody. Okay, ये सब धीरे धीरे जो छोटा छोटा चीज होता है ना, और जो हमारा जो desirable activities होता है, okay, जो हमने already video में किया, तो desirable activities के तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. We must go towards the desirable activities, other than the undesirable activities. If these type of things are there in the society, among the people, life will become peaceful and society will also become in a very good manner, congenial atmosphere. And we can live in their society. और ये जो society फिर बन जाएगा, ये क्या society बन जाएगा? अगर इतना अच्छा वाला society बन जाएगा, तो क्या society बन जाएगा? Their society will be a ideal. Their society will be a ideal society. Okay. What type of society? That society will be a ideal type of society. ठीक है? तो ये था need of constraint and sources of constraint. Sources of constraint किस तरह हो सकता है? और अगर constraint हो life में, हमें constraint नहीं चाहिए. हम तो बोलते आ रहे हैं, हमें constraint नहीं चाहिए. We need to live a free life. But फिर भी समाज में चलने के लिए, सबके साथ चलने के लिए, एक देश में चलने के लिए, एक समाज के पूरा लोगों के साथ चलने के लिए, there must be some type of restrictions put into the life of the people, life of the community, life of the society, so that we can live in a very good atmosphere. ठीक है? तो students, ये था आज का topic, और जो हमने दो लिया है and दो topic के ऊपर हमने discussion किया है. तो hope you will like the video. And you will go through it very slowly, in a slow manner. Okay, so thank you, students.